अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले ये कोट का कटिंग में दिखाया था, ये बच्चे का कोट है बिना अस्तर का है। अब इसको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। इसमें सामने जो ब्रेस पल्टी होगी तो इसमें ये डिज़ाइन का कपड़ा डाले हैं और इसमें स्ट्रिप कहीं पे भी नहीं डाले हैं। हम इसको बनाते हैं। ये हमारा बैक हो गया। सबसे पहले हम बैक पे एक स्टिचिंग मार देते हैं, जो हमने पहले मार्क लगाए थे, मार्क के हिसाब से स्टिचिंग मारेंगे। ये बैग इस तरह रहेगा, जैसे सफारी में कैसा पलटी होता है उस तरह रहेगा। चाहे तो इस पर किनारी का सिलाई भी मार सकते हैं, मैं तो मार देता हूँ किनारी का सिलाई। ये आस्तीन को हम एक साइड में कर लेते हैं, फ्रंट को बनाएंगे। ये देखिए, फ्रंट के लिए मैं ये ब्रेस के लिए यहाँ पे इतना कट कर रखा हूँ और यहाँ पे इतना कट कर लो। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम बाया साइड का पहले सामना बना लेंगे। ये जो हमने मार्क पहले से लगाए हैं, ये मार्क के हिसाब से हम स्टिचिंग मारेंगे। इसको हम प्रेस से पलटी करेंगे। फिलहाल मैं अभी ऐसे ही पलटी करके देखते हैं कैसा लगता है। ये कुछ ऐसा ब्रेस आ जाएगी पलट करके सामने का। पैकेट का जो मार्क लगाए थे, हम पहले पैकेट बना लेंगे। पैकेट का बॉन्ड में हम ये डिजाइन वाले कपड़े डालेंगे। कपड़ा है शॉटन का कपड़ा है। कर लेंगे, इसके जड़ में सिलाई मारेंगे।
उसको अच्छा से पकड़ लेंगे, जहाँ तक चटका मारे थे वहाँ से हम सिलाई मार लेंगे। एक बराबर पकड़ लेंगे कि हमारा बन छोटा बड़ा ना हो। यहाँ पे मैं डार्ट नहीं मारा हूँ, जो मैं पहले मार्क लगाया था ये डार्ट का, इसमें कम कपड़ा की वजह से मैं डार्ट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे का है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, इसमें कम कपड़ा है, अगर डार्ट लगाया तो लूजिंग कम हो जाती है। अब इसका पैकेट का थैला बना लेंगे। इसमें ओवरलॉक हो जाएगी तो ये पक्का हो जाएगी, बाद में धागा नहीं निकलेगी। अब वॉलेट पैकेट के लिए मार्क उठा लेंगे। ये हमारा वॉलेट है, मैं पहले से चिपका रखा हूँ, अब इसको यहाँ से इसको यहाँ से हम टिचिंग मार देंगे। इस पर प्रेस लगेगी तो बैठ जाएगी, अच्छा बैठ जाएगी। क्या करेंगे, सामने को पलटी करेंगे। क्या करेंगे, पहले इसमें इस्तरी अच्छा से मार लेते हैं, फिर उसके बाद इसको पलटी करने के बाद ओवरलॉक कर लेते हैं इसमें, उसके बाद बैक पल्ला ज्वाइन करेंगे। अभी मैंने इसको प्रेस कर लिया, ओवरलॉक कर लिया और इसमें तुरपाई हो जाएगी,
बाहर से दिखेगी नहीं कि अस्तर है या नहीं है, और ये ब्रेस ऐसे पलटी हो जाएगी, इधर का पैकेट हो जाएगी। बैक में भी हम मैंने इंटरलॉक कर लिया, एक बार चाहे तो हम एक बटन डाल सकते हैं या दो बटन डाल सकते हैं, लेकिन एक ही बटन डाले तो अच्छा ही है, कुछ ऐसा हो जाएगी बनने के बाद। अब हम इसको आगे काम चालू करते हैं। यहाँ से एक इंच एक इंच एक पॉइंट ज़्यादा रखेंगे, यहाँ से हम पलटी कर देंगे कॉलर के लिए। क्या करेंगे, इतना सिलाई मारेंगे थोड़ा सा ताकि ब्रेस से ढक जाएगी। बस इतना पे अभी ऐसे रह जाएगी।